10th class combination of resistance. We have two type of resistance, series and parallel. अब हम पहले सीरीज के बारे में जानकारी लेंगे कि सीरीज क्या होता है. जो लाइटनिंग सिस्टम होता है, जैसे हमारे पास घरों में होता है, तो पैरेलल सिस्टम होता है. लेकिन ये जो सीरीज सिस्टम है, सीरीज सिस्टम ऑफ दीपावली के टाइम में जैसे लड़ियां लगाते हैं, वो सीरीज सिस्टम होता है कि एक ही बटन से सारी लाइटें ऑन हो जाती है. इसका डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं. अगर हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, सपोज दैट वी हैव अ थ्री रेजिस्टेंस, तो उसका डायग्राम इस तरह से बनेगा. और इसमें एक स्विच लगेगा और ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है. यहाँ पर करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, ये वी वोल्ट की बैटरी है. यहाँ पर आर वन है, ये आर टू रेजिस्टेंस है, ये आर थ्री रेजिस्टेंस है. जब ये वी वोल्ट की बैटरी से यहाँ पर वोल्ट में करंट जाता है, तो ये वी वन हो गया, ये वी टू हो गया और ये वी थ्री हो गया. अब यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो करंट है वोल्टेज के थ्रू जब जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं V इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री. ये दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया था कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ने क्या कहा था, V इक्वल टू आई इंटू आर. उन्होंने कहा था जो वोल्टेज होता है करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है. ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हम पुट कर देंगे और थर्ड इक्वेशन में हम कर देंगे V1 इक्वल टू आई इंटू आर वन. इक्वेशन नंबर थर्ड, V2 इक्वल टू आई इंटू आर टू. इक्वेशन नंबर फोर, V3 इक्वल टू आई इंटू आर थ्री. इक्वेशन नंबर फिफ्थ. इन तीनों इक्वेशंस को हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में. पुट द वैल्यू ऑफ V कॉमा V1 कॉमा V2 कॉमा V3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है. तो V की वैल्यू हमने क्या रखी थी, I इंटू आर. V1 की वैल्यू I इंटू आर वन, V2 की वैल्यू I इंटू आर टू और V3 की वैल्यू I इंटू आर थ्री. ये हमारे सारी वैल्यू हमने पुट कर दी इसमें. अब हम इसको रीसेट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे रीवैल्यूएट करेंगे I इंटू आर इक्वल टू. यहाँ पर हम I कॉमन ले लेंगे. देखिए समय I कॉमन है हमारे पास, तो यहाँ पर हमने I कॉमन ले लिया, तो हो गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. ये I से I हमने कट कर दिया. देन We have R equal to R1 plus R2 plus R3. ये हमने इसको प्रूव कर दिया कि इसमें किस तरह से प्रूव होता है. मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल. अब हम पहले सीरीज के बारे में जानना चाहेंगे कि सीरीज पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होता है. सीरीज में डायग्राम होता है आर वन आर टू और आर थ्री, यहाँ पर वी वोल्ट की बैटरी लगी, प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ करंट जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. इस तरफ से करंट जाता है, इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं. ये वी वन, ये वी टू और ये वी थ्री. अब फर्स्ट इक्वेशन नंबर वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री. इक्वेशन नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई इंटू आर, V1 equal to I into R1, V2 equal to I into R2 and V3 equal to I into R3. Put the value of V, V1, V2, V3 in equation number first. Then V equal to V1, V2 and V3. तो V की value क्या थी, I into R, V1 की value I into R1, V2 की value I into R2 और V3 की value I into R3. तो अब जब हमने ये किया है यहाँ पर, तो I को हम यहाँ पर common ले लेंगे, क्योंकि सब में I एक common subject है हमारे पास. तो हमने I common ले लिया और इसमें अंदर बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3. और यहाँ पर से देखो I से I कट हो गया, R तो सब्जेक्ट था ही हमारे पास, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3. इसमें अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ पर जो आते हैं क्वेश्चंस वो इस तरह से आता है कि यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस इस तरह से बना होगा और यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट होगा, ये प्लस टर्मिनल ये माइनस टर्मिनल, इसमें ये करंट दे रखा आई, इसमें वैल्यूज दी होंगी सबकी. जैसे V इक्वल टू 10 वोल्ट की बैटरी है, I मेरे को फाइंड करना है, ये सपोज दैट 2 है, ये 4 है, ये 6 है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस. इसको इसी तरह से हम आगे सॉल्व करेंगे. सो सिर्फ हमें क्या करना है कि यहाँ पर R1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2 ओम, R2 की वैल्यू दे रखी है 4 ओम, R3 की वैल्यू दे रखी है 6 ओम. तो हम क्या करेंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. अब इसमें R की देखो 2 प्लस 4 प्लस 6, R इक्वल टू क्या 2 6 6 प्लस 12 ओम. अब इसको सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को हम चेंज करेंगे थोड़ा सा, और चेंज करने के बाद ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 12 ओम. बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी, वी वोल्ट की बैटरी भी हो जाएगी. और हम इसमें इसको क्या करेंगे, ओम्स लॉ में पुट करेंगे, वी इक्वल टू होता आई इंटू आर. अब क्योंकि हमारे पास आई नहीं दे रखा था, तो आई को सब्जेक्ट बना दिया, तो वी अपॉन आर हो जाएगा.
आई इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 10 वोल्ट की बैटरी है और आर की वैल्यू 12 है, तो ये हो जाएगा 2 5 10 2 6 12। आई थिंक आई इक्वल टू 5.6। हालांकि ऐसा आता नहीं है, ये मैंने रैंडमली क्वेश्चन दिया है, लेकिन ये लगभग ऐसे ही किया जाता है। थैंक यू।